सो ये जो आप वड़ा पाव देख रहे हो, ये सुकून का वड़ा पाव हम लोग अभी सिर्फ खा रहे, क्योंकि सुबह तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। सुबह मुझे जाना था बॉम्बे, लेकिन मैंने अलार्म सेट किया, अलार्म ऑन नहीं किया और आँख नहीं खोली, मतलब मेरी किस्मत फूटते फूटते ये भाई के भरोसे, मतलब भाई के भरोसे बच गई। तो रास्ते के आधे किलोमीटर उस पार शादी शूटिंग चल रही है और जो ईश्वर है उनके वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मतलब मेरी जो अलार्म है वो सुबह बजी नहीं, 4 बजे की अलार्म थी, मैंने अलार्म सेट कर दिया था लेकिन अलार्म ऑन नहीं किया था और मैं सोए रह गया। सुबह 6 बजे जब फ़ोन किया, देखा सुबह, मुझे कैमरा लाना था शूट करने के लिए, फिर कैसे ना कैसे कहाँ ना कहाँ से जुगाड़ किया कैमरा जो मेरे दोस्त का है, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ ना, मैं तो आज तो भाग जाता काम हम छोड़ छाड़ के, लेकिन किस्मत में था काम करना तो काम हो गया। भैया एक अच्छा सा मीठा सा नारियल पानी दे दो जिसमें मलाई पतली वाली हो। और अंकल ये जो नारियल दिख रहा है काफ़ी छोटे छोटे नारियल दिख रहे हैं, ये ये गावटी नारियल है क्या? माहिम का है, मतलब यहाँ ही का ही है। मतलब बाकी जो नारियल पानी वाले होते कैसे हरा हरा एकदम, वो केरला साइड का नारियल होता है वैसा, ये तो ये महाराष्ट्र का नारियल एकदम छोटे छोटे पतले लेकिन पानी से भरे हुए। और आप ये लौकी भी बेचते हो? नारियल नहीं तो सब्जी ले लो क्या? दोनों एक ही है। मैंने प्राइस पूछा नहीं, कितने का है ये? 20 रुपये का। तब तो 2 पियेंगे भाई, एक पीने के बाद। मंदिर के पास हवा ज्यादा आता है, हवा आता है तो आपस में टकराता है ना, आपस में टकराता हिलता है तो कैसा पानी फिर? अच्छा, घिस के ऐसे दाग पड़, तो ऐसा घिस के ये दाग पड़ जाता है, टकराते टकराते मुझे लगा कि टकरा टकरा के मीठा पानी हो जाता है। नरम में देखते हैं अभी, जिसमें ज़्यादा रुको मैं देखूँ बोला। नरम नरम तो है। अब मुझे ये पता नहीं किससे कौन सा प्रोटीन मिलता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या ABCD, पर अपना पेट भर रहा है इससे। को कहा जाए कि हमारी मदद कर दो तो मदद कर देनी चाहिए, मैंने बोला इसको ये बैग बंद कर दे तो बैग बंद किया नहीं और पूछने लगा कि अब तक जो तुमने वेडिंग में काम किया वो पैसा आ गया था? मैंने बोला भाई पैसा नहीं आया इसलिए मैं काम छोड़ रहा हूँ। हाई फाई दे। सो आज इनके साथ ये लास्ट काम है और कल एक लास्ट काम है, उसके बाद मिलिए इस हमारे बहुत ही पागलपंती दोस्त से। भाई यहाँ पता नहीं कौन सा जेल लगा रहे, मूंछों को ताव दे रहे। भैया मूंछों को लगाना पड़ता है घी, जब घी लगाओगे तो मजा आ जाएगा, समझ गए? हेलो गाइस, आई एम बैक इन बॉय सर। चुप बैठो। तो गाइस आज व्लॉग इसलिए कम्प्लीट हो नहीं पाया क्योंकि काम जस्ट अभी जाके खत्म हुआ, रात के यहाँ 12 बज चुके और ये जल्दी ख़त्म नहीं होता, लेकिन लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन नहीं, कोरोना के केसेस वापस ज़्यादा बढ़ रहे, सडनली मुंबई में बढ़ गए हैं और वापस से सुनने में आया कि मुंबई में लॉकडाउन हो जाएगा, लोकल ट्रेन बंद हो जाएगी, लोगों की वापस से हवा टाइट हो जाएगी, बिकॉज जो फ्रीडम मिला उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया। मतलब सुबह मेरी फट रही ट्रेन में जाने के लिए कि टिकट नहीं मिला कैसे जाऊँगा, लेकिन मुझे रिक्स लेके जाना ही था, बिकॉज ऑफ कोई साधन था ही नहीं मेरे पास कि मैं बाइक से 3 घंटा ट्रैवल करके जाके आऊँ और फिर वेडिंग में काम करूँ, लेकिन देखो अब क्या होने वाला है। और ये यहाँ पे 3rd दिन कंटिन्यू शूट का और हम यहाँ बैठे हैं और वहाँ पे हमारे ईश्वर आ गए हैं हमारे सहयोग देने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर ताकत तो है ही नहीं। राइड करके आने के बाद आराम बिल्कुल किया नहीं, काम पे लग गया, कल रात तो चक्कर आ रहा था, ऐसा हाल हो गया था और अब जाके रेस्ट मिल रहा है। कृपया सगळ्यांना विनंती आहे, कलेक्टर साहेबांनी पोलिसांना पाठवलं आहे, 50 लोकांचीच परमिशन आपल्याकडे आहे, ज्यांचं कुणाचं जेवण झालं असेल त्यांनी त्वरित सहकार्य करा आणि इथून रजा घ्या। इसका मतलब समझ रहे हो कि महाराष्ट्र में वापस से 7 से 15 दिनों के लॉकडाउन आने ही आ ही चुका है और जो भी शादी शूट मतलब शादी वादी होने वाले थे अभी उसमें सिर्फ 50 लोगों का परमिशन मिला है, 25 लड़की की ओर से, 25 लड़के की ओर से, और स्ट्रिक्टली मास्क पहनना है वरना सीधा केस हो जाएगा डेकोरेटर पे, फोटोग्राफर्स पे, कैटरर्स वाले पे। मतलब पहले 10 मिनट में लोगों को जाने के लिए कहा, अब 15 मिनट में लोगों को मतलब सबको खाली करने बोल रहे हैं स्ट्रिक्टली। मतलब सोच रहे हो इतना स्ट्रिक्टली हो गया, क्योंकि कलेक्टर साहब तो फोटोग्राफर पे भी केस कर देंगे, फोटोग्राफर वीडियोग्राफर सब पे केस हो जाएगा। और सो बाहर में इसलिए आया कि आपको दिखा सके, देखिए बाहर पुलिस की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और स्ट्रिक्टली अंदर वो बहुत बोल रहे हैं बार बार कि लोग प्लीज खाली कर दो, क्योंकि खाली नहीं करेंगे तो इन पे भी केस हो जाएगा और जिनकी शादी हो रही हो उनको भी तकलीफ हो जाएगा। यस, क्योंकि जो लिमिट दिया है 50 लोगों की, लेकिन फिर भी लोग थोड़े से ज़्यादा आए हैं तो केस हो सकता है, पता नहीं यार। सबको लग रहा था कि अच्छे दिन आएंगे वापस से 2021 में, लेकिन यहाँ तो वापस से दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अभी इतना बड़ा झटका मुझे लगा ना जब गाड़ी चला रहा था
और चलाते चलाते मेरा ध्यान ना सीधा गाड़ी पे गया तो देखा तो गाड़ी में ना कुछ तो वाइब्रेट हो रहा है, कुछ तो हिल रहा है। देखा तो ये देखो जना का जो गार्ड है यहाँ से टूट गया है। अब ये गार्ड यहाँ से टूटा कैसे समझ नहीं आ रहा है। गाड़ी कहीं पे गिरी पता नहीं, कल रात को लेके गया था एक दोस्त, नाम नहीं लूँगा मैं, डाउट तो था उस पर, लेकिन गाड़ी में कहीं पे स्क्रैचेस भी नहीं है। देखो यहाँ पे ये लगा है और कहीं स्क्रैचेस तो नहीं है। क्योंकि यार देखो कोई भी मांगता है ना मैं गाड़ी दे देता हूँ, मना नहीं करता हूँ, क्या है गाड़ी है, मना करूँगा दिल टूटेगा फिर बात भी नहीं करेगा, इसलिए मैं मना नहीं करता, गाड़ी दे देता हूँ। लेकिन अब ये किससे टूटा और ये कैसे टूटा कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये बदलना पड़ेगा। बिकॉज भाई जना का जो ये गार्ड है ना यार, ये बहुत मस्त गार्ड है, गाड़ी इतनी अच्छे से बचाता है ना पूछो मत, बहुत अच्छे से बचाता है, लेकिन टूटा गया सब समझ नहीं आ रहा है। देखता हूँ वेल्डिंग वेल्डिंग मार के ठीक हो गया तो भाई चला लूँगा। अगर अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो बोलो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर। सो यहाँ पे क्या हुआ कि बाइक तो ख़राब हो गई और 3 दिन के बाद काम खत्म हो गया। सो जैसे मैं क्लास में गया था, भाई पता नहीं ये भी क्लास में ज्वाइंट हो गया, जिमनास्टिक डांस वांस करता रहता है, तो सडनली मुझे देखा, मेरे पास आया, बिल्ली जैसे चिपक के बैठा फिर भाग गया। फिर जैसे इसका क्लास खत्म हुआ मैंने इसको लालच दे के चल कुछ खाने चलते, चुपचाप चप्पल पहन के ना किसी कुछ बतर बाहर आ गया खाने के लिए। भाई क्या क्या खाओगे? फ्रेंच फ्राइज और फ्राइड राइस। फ्राइड राइस? भाई ये आदमी बड़ा खतरनाक हो गया है। चलो उधर 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 ये बड़े खतरनाक हो गया है। ये पहले बोला फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा, फिर बोलता डोनेस खाऊंगा, फिर बोलता फ्राइड राइस खाऊंगा, यहाँ पे आने के बाद बोलता है पिज़्ज़ा खाऊंगा, ओनली फ्रेंच फ्राइज। हाँ फोटो में देखा कि उसमें 4 फोटो है तो बोला 4 चाहिए, तो मतलब 4 बार पप्पी देना पड़ेगा, 2 1 1 2 2 3 3 4 एक और लास्ट 5। तुमको ये पूरा ख़त्म करना है। हम लोग मैं खाने के बाद जूस पीऊंगा। मिलेगा तुमको, बट ये पूरा ख़त्म करोगे तो मिलेगा। हाँ ख़त्म करो। क्या हो गया? गड़ा। क्या रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है तेरा भाई? हाँ पकड़ के रखो। हाँ दिखाओ। खाओ खाओ खाओ, एक बार खा लो, खाओ खाओ इसका। चलो बहुत ज़्यादा हॉट है ना, मैं एक थम्सअप मंगाया, इसको थम्सअप भी पसंद आ गया, बोलता थम्सअप भी मैं ही पीऊँगा। ये देखो अभी खाओ खाओ सब खाओ ना बेटा खाने की कोशिश तो करो, खाओ, अरे खाओ। मैंने यहाँ पे एक नया मशीन निकाला है फ्रेंच फ्राइज खाने का, तो फ्रेंच फ्राइज खा के बताओ कैसे खाते? गन्ना जैसे। दिखाओ। हाँ ये देखो कह रहा हूँ ना भाई, ये बंदा क्रिएटिविटी में आगे जाएगा जिसके बीच रह रहा है ये। वापस ये देखो तो पेट्रोल क्यों नहीं संभाल पा रहे? क्यों नहीं संभाल पा रहे तो बस अब हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा महंगा महंगा। और ऑनेस्टली मतलब 100 रुपये तो क्रॉस हो गया कहीं जगह, मेरे यहाँ पे सिटी में 97.64 ऐसा पेट्रोल चला, कल रात को 90 रुपये का स्कूटर में भरा, बोला भाई इसको घर पहुँचा देते, कल से साइकिल पे घूमेंगे। मतलब यार गाड़ी तो अपनी रोज की है, उस पर काम दाम होता है और वही सबसे महंगा हो जाएगा, तो आमदनी कुछ नहीं, खर्चा बहुत ज़्यादा। अभी जो मैं छत्तीसगढ़ के ट्रिप पे गया था, पूरे महाराष्ट्र में 97.96 पेट्रोल था, लेकिन जैसे महाराष्ट्र क्रॉस किया छत्तीसगढ़ में 87 या 86 पेट्रोल था। अभी जैसे मैं गुजरात गया था, गुजरात में पेट्रोल वहाँ पर महाराष्ट्र से 10 रुपये कम है, यहाँ पर ज़्यादा पेट्रोल महंगा है, 10 रुपये बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। अगर आप एक साथ 5 लीटर 10 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो बहुत, या 15 लीटर तो बहुत फ़र्क पड़ता है 10 रुपये से। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। रूडी के साथ भी मज़ा आया और पता नहीं बाइक में कैसे वो टूट गया, पता नहीं अपने आप टूट गया। अब किसको बाइक दिया मुझे सो पता नहीं, और किस कौन तोड़ के ला के दिया पता नहीं। सो देखते हैं उसको ठीक कराते हैं, तो नहीं तो नया लाना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बाय।